नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा आज एक मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, जहां एक झूलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली। मामला नागौर थाना अंतर्गत पथरौड़ा गांव का है, जहां घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। मामले पर अब स्वास्थ्य अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सतना के पथरौड़ा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब एक 8 वर्षीय पूजा नामक बच्ची की मौत हो गई। आरोप है कि गांव में क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक 8 वर्षीय पूजा को सुबह 2 बार उल्टी होने के कारण परिजन उसे पास के गांव कंचनपुर ले गए, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक का संचालन करता है। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और परिजन वापस घर ले गए। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ी और जिला अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण पूजा की मौत हुई है। परिजनों की माने तो घटना के बाद क्लिनिक जाकर डॉक्टर से बच्ची को लगाए गए इंजेक्शन की शीशी मांगी गई, लेकिन डॉक्टर लवकुश कुशवाहा इंजेक्शन की शीशी देने से इनकार करते हुए क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दे दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी का दावा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमने एक बच्ची को 2 उल्टी हुई सुबह 4 बजे उल्टी हुई तो लेके हम नजदीक में यहाँ कंचनपुर है तो डॉक्टर के यहाँ कुशवाहा डॉक्टर करते हैं, उनको लेके गए, 2 इंजेक्शन लाए, घर में लेके आए तो आंखा फूटी पलट गई, सपना लेके पहुँच भी नहीं पाए, गली में खत्म हो गई। 10 मिनट बाद डेथ हुई। 10 मिनट बाद उनसे फिर जाके क्या बताया था डॉक्टर? बगैर कुछ नहीं बताया, उल्टी मारी तो उनसे मांगा कि इंजेक्शन दीजिए जो लगाए थे आपने खाली, तो उसमें बोला मैंने फेंक दिया। मुझे व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त हुई है तो मैंने अभी जानकारी कलेक्ट करके और वहाँ के जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं नागौर के और यादवेंद्र सिंह एक हैं MPW हैं, तो उन दोनों को मैंने इंक्वायरी के लिए भेजा है कि आप जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके शाम तक इसकी रिपोर्ट देंगे। हाँ, अभी मैंने जो है 2 FIR दर्ज किए हैं, एक बराकपुर के चिकित्सक के खिलाफ, एक तिवारी हैं बिरसिंहपुर में, तो 2 के खिलाफ FIR दर्ज कर दिए हैं। और इसके अलावा जब भी मैं टूर में निकलता हूँ तो जो भी इस टाइप के केसेस मिलते हैं तो उनकी ड्रग्स वगैरह कलेक्ट वो करके उसको जांच के लिए भिजवाता हूं और कोशिश करता हूं कि मतलब इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। सतना मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के संभाग अध्यक्ष पद के लिए दिनांक 1 सितंबर को भोपाल में नामांकन भरा गया, जिसमें ग्राम पंचायत घुंगचिहाई, जनपद पंचायत रामपुर बागिलान के सचिव और पूर्व संभागाध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह जी को निर्विरोध संभागाध्यक्ष चुना गया। श्री ब्रजेश सिंह जी के संभागाध्यक्ष चुने जाने पर रीवा संभाग के समस्त 25 ब्लॉकों और 4 जिले के पंचायत सचिवों में खुशी की लहर है। श्री ब्रजेश सिंह को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संघ के रीवा संभाग के 4 जिलों सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के 25 ब्लॉकों की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा सौंपी गई, जिसे रामपुर बागिलान समेत पूरे रीवा संभाग के सचिवों ने दिनेश शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त किया। उक्ताशय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी श्री पुष्पेंद्र गुप्ता ने बताया कि आदरणीय ब्रजेश सिंह जी पूर्व में संभाग अध्यक्ष रहते हुए सचिव हित में सराहनीय कार्य किया है, जिसके चलते पुनः उन्हें ये जिम्मेदारी सचिवों ने सौंपी है। श्री ब्रजेश सिंह जी के संभाग अध्यक्ष बनने पर हर्ष व्यक्त करने वालों में श्री अनिल कुमार शर्मा, पुष्पेंद्र गुप्ता, गजेंद्र सिंह, जय सिंह, ईश्वर दिन साके, दिवाकर विश्वकर्मा, चंद्रा सिंह, प्रमिला वर्मा, मीरा सिंह, कमलेश सिंह, आरती पांडे, रमेश पटेल, अनिल सिंह, राम नरेश कुशवाहा, सुरेश गंधर्व, राम निवास जायसवाल, वीरेंद्र सिंह, सुरेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से अपनी दस्तक दे चुका है, नदियां अपने उफान पर हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस में सिंध नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है। ऐसे में ग्रामीण नदी के उस पार जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। ऐसे में हादसे की आशंका निरंतर बनी रहती है। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं किए गए। आज दिनांक 4 सितंबर 2019 को गांव सालमगढ़ के कई स्थानों पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बस स्टैंड, पीपली चौक, चार भुजानाथ मंदिर, महाराणा प्रताप चौराहा, बांसवाड़ा रोड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, भगवती विद्या मंदिर आदि स्थानों पर गणेश जी
कि एक से बढ़कर एक मूर्तियों की स्थापना की गई और सभी जगहों पर रोज आयोजन किए जा रहे हैं। सभी स्थानों पर गरबा, नृत्य, डांस, गीत संगीत आदि का आयोजन किया जा रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।